Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome to my channel with another new video with Shyam. You are watching Biology. आज अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे एस्क्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन या मानव में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, किडनी होती है, यूरिन होता है, यूरिन ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा है, वो इसके ऑर्गन है। लेकिन उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, भोज्य पदार्थ खाते हैं और मेटाबॉलिज्म जो भी प्रक्रियाएं होती है उसके फलस्वरूप एक तरह से यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया बनते हैं और ये हमारे शरीर में क्या होते हैं, एक तरह से विषाक्त होते हैं, हानिकारक होते हैं और इनको शरीर से बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है तो उसे बोलते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन में काम आने वाले ऑर्गन है जैसे अपने किडनी है, गुर्दे हैं या फिर यूरेटर मूत्रवानिया है, यूरिन ब्लेडर है और यूरेथ्रा है। ये क्या है, एक तरह से इसके उत्सर्जन तंत्र के पार्ट है। तो इनको काम में लेकर क्या है, शरीर अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अब अपशिष्ट पदार्थ के आधार पर अपनी बात करें ना तो वो CO2 भी होता है, जल भी होता है, इसके अलावा यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। जल और CO2 है वो तो श्वसन क्रिया द्वारा, मल द्वारा और एक तरह से श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा जो भी यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया होते हैं वो शरीर के अंदर जो बनते हैं उनको एक विशेष प्रकार के ऑर्गन होते हैं या एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, उसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। अब अपशिष्ट की बात करें, अपशिष्ट के आधार पर क्या है, जीवों को तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। तो पहला बात करें अपने अमोनियोटेलिक होता है, अमोनियोटेलिक है, यूरियोटेलिक है और यूरिकोटेलिक है। तो सबसे पहले इनसे पर्सन है ना, इन जो यूरिको है, यूरिया, यूरियोटेलिक है, अमोनियोटेलिक है, इनमें से पर्सन पूछे जाते हैं और उदाहरण दिए जाते हैं। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न उठते हैं तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यानी पहले बात करें अमोनोटेलिक जीव कौन से होते हैं, जिनके अंदर क्या है, अपशिष्ट के रूप में अमोनिया बनती है, यानी नाइट्रोजनिक पदार्थ होते हैं उनका अपहरण होता है शरीर के अंदर, तो उससे अमोनिया बनती है और वो अमोनिया हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत विषाक्त होती है और ये जल में घुलनशील होती है, इसीलिए इसको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। और जो जलीय जीव होते हैं, मतलब एक तरह से सरल जलीय जीव होते हैं, उनके अंदर ये क्या है, अमोनिया बनता है। तो सबसे पहले प्रश्न ये पुटअप होता है कि उदाहरण पूछ लेते हैं कौन से अमोनोटेलिक है या यूरियोटेलिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें उसके उदाहरण कौन से, यानी अमोनोटेलिक है उनके उदाहरण है प्रोटोजोआ पॉलीफेरा, प्रोटोजोआ पॉलीफेरा एनेलिडा, एनेलिडा मतलब केंचुआ और जो कहते हैं। इसके अलावा आपने मोल्स का संघ में अपने पाइला आता है। तो इस प्रकार के जो जीव है उनमें क्या है, अमोनिया अपशिष्ट के रूप में बनती है और वो एक तरह से अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अब दूसरी बात करें, दूसरे प्रकार के जीव जो क्या है, यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं या यूरिया जिनके शरीर में बनती है उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है कि यूरियोटेलिक होते हैं
उनके अंदर यूरिया का निर्माण होता है। अपशिष्ट के रूप में कौन सा पदार्थ बनता है? यूरिया बनता है। और यूरिया क्या होता है? अमोनिया से कम विषाक्त होता है और ये जल में घुलनशील होता है, इसलिए जल के साथ में ये बाहर निकाल दिया जाता है, यानी यूरिन है उसके साथ में ये बाहर निकलता है। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो उदाहरण है वो क्या है? अपने जो एक तो कार्टिलेज या उपास्थिन, उपास्थिन और अस्थि, अस्थि युक्त यानी अस्थि युक्त जो भी फिशेज होते हैं, फिशेज मतलब मछलियां होती हैं, उनके अंदर ये एक तरह से यूरिया बनती है। और इसके अलावा जो मैमल वर्ग है, एम्फीबिया वर्ग है, मैमल वर्ग है मतलब एक तरह से स्तनधारी, इनके अंदर क्या है? यूरिया बनती है और उनको अपने यूरियोटेलिक कहते हैं। अब तीसरी बात करें अपशिष्ट के आधार पे, तीसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक। क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक यानी यूरिकोटेलिक। इसका भी उदाहरण है, वो इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार पूछा जाता है उदाहरण के आधार पे, या उदाहरण कोई भी दे देते हैं कि भी मोनोटेलिक जीव है कौन सी है, तो उसमें उदाहरण बहुत सारे, यानी ऐसा है वो कई जीव दे देते हैं, उसमें एक प्रश्न आपका सही होता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न बनते हैं, इसीलिए अपने इसको क्या है अच्छी तरह से पढ़ना है। यूरिकोटेलिक कौन से होते हैं? यूरिकोटेलिक क्या होता है? इंसेक्ट, एक उदाहरण की बात करें मतलब कीट होते हैं, कीट होते हैं या आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव है, आर्थ्रोपोडा मतलब कीट या आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव होते हैं वो क्या आते हैं? अपने यूरिकोटेलिक के अंदर आते हैं, या अपशिष्ट के रूप में यूरिक एसिड बनता है। और ये यूरिक एसिड है वो क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। और इसके अलावा आपने बात करें जो मरुस्थलीय जो जीव होते हैं ना, वहां पर पानी की कमी होती है, और मरुस्थल के अंदर रहने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर भी क्या है? यूरिक एसिड क्या है? अपशिष्ट के रूप में बनता है। तो यहाँ पर आपने ये भी लिख सकते हैं मरुस्थलीय, मरुस्थलीय जीव भी क्या है? एक तरह से यूरिक एसिड, मतलब किसका? यूरिकोटेलिक में क्या बनता है? यूरिक एसिड बनता है। इंपॉर्टेंट बात है। और इसमें ये क्या है? उदाहरण है, और उदाहरण बहुत सारे प्रश्न आता है तो उदाहरण के तौर पर ही आता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। और वैसे एनसीईआरटी का है या टेंथ है उसमें पूरा डिटेलिंग अपने लिख ही देते हैं। तो इस तरह से ये क्या है, तीन प्रकार के ये जीव थे और उनके उदाहरण निम्न प्रकार से आपको बताए थे। ये इस प्रकार से आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, या दोबारा देखकर या पोज करके उसको पढ़ सकते हैं। अब अपने बात करते हैं एक तरह से उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र होता है उसको अपने एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। ये दो वाहिनियां होती है, एक तो आर्टरीज होती है, और ये आर्टरीज है और ये वेन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर ब्लड है, एक ये किडनी होती है या एक ही साइड में किडनी होती है, और यहां से भी क्या है इसमें जाती है, और एक इस साइड में भी क्या है किडनी होती है, और दोनों वाहिनियों से क्या है इसमें ब्लड है, आता है और जाता है। यहां से इस तरह से संरचना होगी, एक मतलब लेफ्ट किडनी होती है, एक
राइट किडनी होती है, दोनों साइड में एक एक किडनी होती है और वो अपने क्या है एक तरह से भ्रष्ट होता है, शरीर का पिछला जो भाग होता है उसमें स्थित रहती है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या पाई जाती है, एक तरह से अधिव्रत ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिव्रत ग्रंथि, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और यहां से ये तो क्या है, एक तरह से अपने किडनी है, क्या है किडनी है, या उनको गुर्दे भी कहते हैं, मतलब दो किडनी या गुर्दे पाए जाते हैं। और यहां से इनके क्या है यूरेटर्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं यूरेटर या मूत्र वाहिनी निकलती है। और ये कहां पर खुलती है, ये मूत्राशय में खुलती है, ये मूत्राशय शंकु आकार का होता है और यहां से ये मूत्र मार्ग होता है, ये मूत्र मार्ग है और ये यूरिन ब्लैडर है। यूरिन ब्लैडर इसको यूरेथ्रा भी कहते हैं, यूरेथ्रा यूरेथ्रा यानी मूत्राशय, ये मूत्राशय है और ये यूरेटर है, यूरेटर या मूत्र वाहिनी। इस तरह से चार पार्ट हो गए, मतलब ये किडनी है, किडनी गुर्दे, मतलब दो गुर्दे पाए जाते हैं और ये आर्टरी और यानी एक तरह से धमनी, रीनल धमनी, रीनल आर्टरी बोलते हैं और ये रीनल वेन होती है, रीनल वेन यानी एक तरह से शीरा। और यहां से ब्लड आता है, फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद में यूरेटर्स में जाता है और मूत्राशय में इकट्ठा होता है। और मूत्राशय में इकट्ठा होगा तो यहाँ पे इसकी मात्रा क्या होगी, 800 से 1 लीटर तक या 800 से 1000 एमएल तक क्या है इसमें कैपेसिटी होती है स्टोरेज होने की। और उसके साथ में स्टोर होने के बाद में ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मसल्स स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स मतलब एक अवरोधनी क्या है, पेशी पाई जाती है। और जैसे ही क्या है एक तरह से यूरिन जब इकट्ठा होता रहता है तो उस टाइम क्या है वो बंद रखती है एक तरह से अवरोधनी को। और जैसे ही क्या स्थलन होता है तो ये क्या है जब यूरिन करते हैं तो वो शिथिल होती है और खुल जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रा में क्या होता है प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, क्या पाई जाती है प्रोस्टेट, ये डायग्राम आ रहा है क्या, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या पाई जाती है यहां पे, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है जो कि नर के अंदर होती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है मादा में नहीं पाई जाती है। और यहां पर क्या होता है दो वाहिनियां और होती है जिनको शुक्र वाहिनी कहते हैं, मतलब शुक्रवाणी का मतलब जिसमें स्पर्म या शुक्राणु उसके साथ में पेनिस में डाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है यूरेथ्रा है या मूत्र मार्ग है दो कार्य करता है, एक तो यूरिन का काम करता है और दूसरा शुक्राणु का भी क्या है वहन करता है या परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मादा की बात करें तो मादा के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है। और यूरेथ्रा की लंबाई है, यहाँ पे यूरेथ्रा की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई नर में क्या होती है लगभग 15 सेंटीमीटर होती है, यूरेथ्रा जो नलिका होती है उसकी 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है। और इसकी तुलना में मादा की बात करें तो मादा के अंदर 4 सेंटीमीटर के लगभग इसकी लंबाई पाई जाती है। और इसमें ये क्या है तीन प्रकार के लेयर से बनी होती है, सिरोसा, कितने प्रकार की सिरोसा और एरेखित पेशियों से बनी होती है या एरेखित पेशियों की एक स्तर होती है और एक अंतस्तर होता है श्लेष्मिक स्तर होता है। अंतस्तर कौन सा होता है श्लेष्मिक होता है और श्लेष्मिक होने का कारण यह है कि क्योंकि
यूरिन होता है उसमें यूरिक एसिड या एक तरह से एसिड प्रकार के जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो उससे बचने के लिए श्लेष्मिक स्तर पाया जाता है। यानी सीरोसा है, एरिथ्रेसिया है और श्लेष्मिक, तीन प्रकार का। कौन कौन से? सीरोसा, सीरोसा और एरिथ्रेसी, एरिथ्रेसी स्तर और श्लेष्मिक स्तर, श्लेष्मिक स्तर। मतलब ये तीन प्रकार के स्तर से बना होता है और इसमें यूरिन है वो 800 से 1000 ml तक क्या है इसमें स्टोरेज रहता है और यूरेटर है। अब यूरेटर की बात करें यहां से लेकर यानी किडनी के पेलिस से लेकर यानी श्रोणि वृक्ष से लेकर यानी इसको पेलिस कहते हैं और यहां से लेकर ये मूत्राशय के बीच में जो नलिका पाई जाती है उसको यूरेटर कहते हैं और यूरेटर के अंदर क्या है एक तरह से कर्माकुंचन तरंगे बनती है। मतलब इस तरह से कर्माकुंचन ऐसे तरंगे बनती है और उस तरंगों के आधार पर यह यूरिन को आगे की ओर खिसकाया जाता है या आगे की ओर चलाया जाता है। तो ये एक तरह से यूरेटर है जो यूरिन को बाहर निकालने में सहायक होती है और मूत्राशय में डालती है और ये अपने क्या है किडनी है इंपॉर्टेंट भाग है। यहाँ पे क्या होता है यूरिन का ब्लड से क्या होता है अलग होना या ब्लड का फिल्ट्रेशन होकर क्या है यूरिन बनता है। तो उसकी संरचना के बारे में बात करेंगे अभी। तो अभी इसके बारे में पूरा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा तो डायग्राम अपने साथ साथ बनाते जाएंगे और बात करते जाएंगे। तो डायग्राम बनाना भी क्या होता है एक तरह से एक स्टूडेंट के लिए एक कला होती है। कुछ स्टूडेंट हैं डायग्राम बनाने में बड़े माहिर होते हैं और कई डायग्राम बनाने से हिचकिचाते भी हैं। तो इसका जो डायग्राम बनना होता है वो किस तरह से बनेगा अपने साथ में बनाते जाएंगे। ये एक सेंध के बीज के आकार की संरचना होती है और यहाँ पर ये क्या होता है फाइबर्स मसल्स होते हैं। क्या होते हैं द्वि लेयर होता है, दो लेयर वाला होता है और फाइबर्स फाइबर्स मसल्स, ठीक है, ये फाइबर्स मसल्स होते हैं। और यहां पर एक तरह से ये भाग होता है आप यहाँ पे इस तरह कुछ बना सकते हो अपने हिसाब से। ये बनाया और यहाँ पे ये जो बन रहे हैं वो कैलिक्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं कैलिक्स। थोड़ा सा डायग्राम बनाते समय सफाई का ध्यान रखना होता है। एनसीईआरटी बुक के अंदर अपने पढ़ते हैं या बोर्ड में जो भी पर्सन आते हैं उसमें डायग्राम की इंपॉर्टेंस होती है। ये क्या बनता है ये आगे यूरेटर बनेगा और यहां पर क्या होता है दो जो अपने पहले डायग्राम में पढ़ा था ये आर्टरीज है और ये क्या है एक तरह से धमनी होती है यानी रीनल आर्टरी और रीनल वेन ये ब्लड को यहां से क्या है किडनी में ले जाते हैं और यहां पर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद देखिए यहां पे ये जो भाग होता है ना वो क्या होता है पेलिस होता है। ये क्या है रीनल रीनल पेलिस कहलाता है रीनल पेलिस। क्या होता है रीनल पेलिस होता है
और यहां पर क्या है, एक तरह से शंकुआकार क्या होते हैं, ऐसी संरचनाएं होती है, शंकु के आकार की संरचनाएं होती है। ये शंक्वाकार एक तरह से क्या है, पिरामिड, सॉरी ये पिरामिड होते हैं, और इनके अंदर क्या है, इस तरह से फाइबर्स होते हैं, और इसमें क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन पाए जाते हैं या वृक्काणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वृक्काणु है वो पाए जाते हैं, जिसकी मैकेनिज्म है वो अपने अगले टॉपिक में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो भाग है, ये भाग क्या कहलाता है, मेडुला। यहां से लेकर यहां तक जो भाग है वो क्या कहलाता है, मेडुला या मध्यांश कहते हैं। मध्यांश, मध्यांश होता है या मेडुला होता है, मेडुला सॉरी कॉर्टेक्स होता है। ये वाला यहां से लेकर ये भाग होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स या वल्कुट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला यहां से लेकर यहां तक ये जो भाग है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, एक तरह से मध्यांश कहलाता है। मध्यांश क्या कहलाता है, मेडुला, मेडुला मध्यांश। और ये क्या कहलाते हैं, रिनल पेल्विस या सॉरी रिनल पिरामिड कहलाते हैं, रिनल पिरामिड, रिनल पिरामिड कहलाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, यहां पे क्या होता है, मध्यांश का कुछ भाग है ना, मध्यांश क्या होता है, इस तरह से एक तरह से कणिका युक्त होता है, और ये भाग है ना मीजोडर्म के द्वारा बने होते हैं। भ्रूणीय जो स्तर होता है उसके अंदर मीजोडर्म है ना, एक एंडोडर्म होता है, एक मीजोडर्म होता है, एक प्रोटोडर्म होता है। तो वो जो भ्रूणावस्था के अंदर जो मीजोडर्म स्तर होता है उसके द्वारा क्या है, इस किडनी की या गुर्दे का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुर्दे का निर्माण है, और ये हमारे शरीर के अंदर पृष्ठ जो भाग होता है शरीर का, ठीक है, वो पेरिटोनियम मसल्स के द्वारा बना रहता है। मतलब इसका जो भाग है यानी शरीर के साथ में ये जो जुड़ेगा ना, इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम मसल्स या फेसियम। मसल्स या फेसियम, पेरिटोनियम मसल्स के द्वारा ये क्या है, जुड़े रहते हैं। इसकी लंबाई यहां से लेकर ये जो लंबाई है वो 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, 10 से 11 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और 5 से 6 इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। ये लंबाई है, लंबाई है, और ये वेट है या चौड़ाई है। अब यहां पर बात करें अपने इसके अंदर ये वाले कैलिक्स, ये कैलिक्स है, मतलब एक तो माइनर कैलिक्स होते हैं, और ये क्या है, 1 2 3, या फिर इसमें देखिए यहां से लेकर ये वाला क्या भाग है वो क्या कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। इसको अपने यहां पर कैलिक्स, इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स। और ये वाला आगे वाला ये जो भाग है वो बड़ा है, यहां से लेकर ये तो बड़ा है, और ये आगे पार्ट यानी कई भागों में ब्रांच में बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। क्या बोलेंगे इनको, ये वाले अपने यहां से बात करेंगे, ये माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स।
ये बात समझोगे, माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, मतलब ये वाले बड़ा जो भाग है उसको मेजर बोलेंगे और जो आगे छोटे ब्रांच में बढ़ जाता है उसको माइनर बोलेंगे। अब यहाँ पे बात करें मेडुला और एक तरह से मेडुला और वल्कुट की बात करें या कॉर्टेक्स की बात करें, तो कॉर्टेक्स का कुछ भाग क्या है मेडुला के अंदर यहाँ पर फंसा रहता है, ये जो भाग है यहाँ पे, इनको क्या बोलते हैं एक तरह से कॉलम ऑफ बिल्टिनी कहते हैं, या बिल्टिनी भी लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर, कॉलम ऑफ बिल्टिनी या बिल्टिनी के स्तंभ कहते हैं, यानी इनको क्या बोलेंगे, ये जो भाग है यहाँ पर फंसा हुआ रहता है कुछ कॉर्टेक्स का भाग, यानी ये मान लीजिए यहाँ पे जो भाग फंसा रहता है उसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बिल्टिनी, कॉलम्स ऑफ बिल्टिनी या बिल्टिनी भी कहते हैं। तो ये अपने आप में क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है एक्सक्रेटरी सिस्टम का, और इसमें बहुत सारे जो बात है अपने सामने आई है। एक बात और रहेगी इसमें, कौन सी, ये जो भाग है हाइलाइट कराता है, मतलब ये एक तो भाग क्या होता है उत्तल होता है और अंदर वाला जो भाग क्या है अवतल होता है, मतलब अंदर की ओर दशा रहता है। तो इसको बोलते हैं अपने क्या बोलेंगे, ये जो भाग मैं बता रहा हूँ ये वाला भाग, इसको बोलते हैं हाइलम या नाभि, हाइलम या नाभि। और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है एटोपिनुमा, क्या है एक संरचना पाई जाती है, अगर उसके बारे में आप जानते हैं कि ये कौन सी ग्रंथि होती है, एडिनल ग्रंथि होती है, उसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इसके बारे में अपने आगे जब भी अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो ये एक अपने गुर्दे का डायग्राम था, आप इसको अच्छी तरह से रोक कर या पॉज करके भी इसके डायग्राम को बना के देखिए, अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और मैं समझता हूँ ये प्रश्न जो भी आएगा तो आप इसको अच्छी तरह से हल कर पाओगे, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या 10th क्लास हो। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक कैसा लगा, मैं आपसे बड़ी आशा के साथ कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.